हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 2a इसके इक्वल है, वेयर 2a, यहाँ पे ये जो 2a ना एक अक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पता करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो सोल्यूशन में आ जाओगे, क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, क्या गिवन है हमें, 10 2a cot a माइनस 18 डिग्री, ये चीज़ हमें गिवन है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इक्वल का सिंबल है और एंगल एंगल है, तो कैसे करना है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेम बनाना है। या तो इधर 10 है तो इधर भी 10 बनाओ, या इधर cot है तो इधर भी cot बनाओ। वैसे आसान किधर से लग पड़ेगा हमें, आसान इधर छोटा है ना, इधर आसान होगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन इधर करोगे तो ज़्यादा आसान है। कैसे, 10 को तुम कॉट में कैसे लिख सकते हो, आपको पता है बेटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बेटा, 2a। अब इसको तुम अगर खोलोगे तो तुम्हें फिर से यही मिल जाना है, क्या दिक्कत है, ये चीज़ है। अब देखो बेटा, एंगल कंपैरिजन करने से ना एक तरीके से कॉट से कॉट हट गया, ये सोच लो, तो क्या बचेगा, 90 माइनस के 2a, a माइनस के 18। नंबर्स को एक तरफ लाओ, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का 2a उधर जाके प्लस का 2a हो गया, तो 108 3a, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, 3 3 3 6, सो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 36 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन था ये, आराम से बन गया, ठीक है। और ये 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 36 दूनी 72, 72, वो भी एक अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। बाकी सभी क्वेश्चन का रखे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नहीं होता तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।